टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट अपने सेगमेंट की बेस्ट और सबसे ज्यादा फीचर ऑफर करने वाली कार बन चुकी है, लेकिन अभी भी इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल कार कोई और है। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा XUV 300 के बारे में। तो चलिए नेक्सॉन फेसलिफ्ट को और XUV 300 को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सी कार बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इन दोनों के डायमेंशन के बारे में। नेक्सॉन की लेंथ 3995 mm है, XUV 300 की लेंथ भी 3995 mm है। नेक्सॉन की हाइट 1620 mm है, 300 की हाइट 1627 mm है। नेक्सॉन का विड्थ 1804 mm है, 300 की विड्थ 1821 mm है। नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm है, XUV 300 का ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है। नेक्सॉन में 382 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन XUV 300 में 297 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। हाइट और विड्थ में XUV 300 ज्यादा है नेक्सॉन से, लेकिन अगर इन दोनों के व्हील बेस को देखा जाए तो XUV 300 में 2600 mm का व्हील बेस मिलता है, वहीं नेक्सॉन में 2498 mm का व्हील बेस मिलता है। तो XUV 300 में व्हील बेस ज्यादा होने के कारण इसका केबिन स्पेस थोड़ा बड़ा मिलेगा नेक्सॉन के कंपैरिजन में, लेकिन नेक्सॉन में ज्यादा बूट स्पेस मिलता है कम्पेयर टू XUV 300, जिसमें आप ज्यादा सामान कैरी कर सकते हो। और नेक्सॉन में 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिससे खराब रास्तों पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हो गई इन दोनों के डायमेंशन की बात। अब हम देखते हैं इन दोनों के इंजन के बारे में। XUV 300 में दो इंजन ऑप्शन मिलता है। पहला 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 109 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 200 Nm का टॉर्क। स्पोर्ट करके वेरिएंट आता है, उसमें भी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 129 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 230 Nm का टॉर्क। और इसका दूसरा इंजन 1.5 लीटर डीजल इंजन है, जो 115 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। वहीं नेक्सॉन फेसलिफ्ट में भी दो ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 118 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 170 Nm का टॉर्क। और दूसरा 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो 113 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 260 Nm का टॉर्क। दोनों गाड़ियां ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल हैं, लेकिन नेक्सॉन के पेट्रोल वेरिएंट के साथ 7-स्पीड DCT ट्रांसमिशन में मिलता है। अगर देखा जाए इंजन पावर और परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे XUV 300 का इंजन ज्यादा पावरफुल है। और जब इंजन की बात हो ही रही है, तो लगे हाथ माइलेज की भी बात कर लिया जाए। XUV 300 के जो पेट्रोल वेरिएंट की माइलेज है, वो 16 किलोमीटर पर लीटर की है, और अगर इसके स्पोर्ट वेरिएंट की माइलेज को देखें तो वो 14 किलोमीटर पर लीटर की है। वहीं इसके डीजल इंजन की माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर की है। एंड नेक्सॉन के जो पेट्रोल वेरिएंट की माइलेज है, वो 16 किलोमीटर पर लीटर की है, और नेक्सॉन के डीजल वेरिएंट की माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर की है। ये जो माइलेज है, ये कंपनी द्वारा क्लेम की गई माइलेज है, रियल लाइफ में कुछ और ही मिलता है। और अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में। एक्सटीरियर लुक अपने अपने चॉइस पे डिपेंड करता है। किसी को नेक्सॉन की लुक ज्यादा अच्छी लगेगी, तो किसी को XUV 300 की। लेकिन मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे नेक्सॉन की डिजाइन ज्यादा अच्छी लगी कंपेयर टू XUV 300, क्योंकि नेक्सॉन को रिसेंटली एक अपडेट मिल चुका है। उसकी डिजाइन फ्यूचरिस्टिक हो चुकी है और काफी एडवांस फीचर को भी ऐड कर दिया गया है, लेकिन XUV 300 को काफी टाइम हो चुका है कोई नया अपडेट मिले। हो सकता है 2024 के स्टार्टिंग में इसे एक नया अपडेट मिल जाए, जिसकी टेस्टिंग भी चल रही है। और देखें इनके फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं इनमें मिलने वाले कॉमन फीचर के बारे में, जैसे LED DRLs, LED टेल लैंप्स, सनरूफ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBMs, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रेन सेंसिंग वाइपर, 16 इंचेस एलॉय व्हील एंड रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों में। लेकिन नेक्सॉन में LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है, वहीं XUV 300 में हाइलोजन हेडलैम्प सेटअप मिलता है। नेक्सॉन में रियर वाइपर हिडन मिलता है, वहीं XUV 300 में नॉर्मल रियर वाइपर मिलता है। नेक्सॉन में सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिलता है, जो XUV 300 में नहीं मिलता। नेक्सॉन में सार्फिन एंटेना मिलता है, वो भी XUV 300 में नहीं मिलता। तो एक्सटीरियर फीचर के मामले में नेक्सॉन बेटर है। नेक्सॉन में कई मॉडर्न फीचर भी मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। नेक्सॉन का इंटीरियर ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक स्टाइल में बनाया गया है, वहीं XUV 300 का इंटीरियर डिजाइन काफी आउटडेटेड लगता है, तो इसे एक अपडेट की जरूरत है। नेक्सॉन में 10.2 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वहीं XUV 300 में 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। नेक्सॉन में 10 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, लेकिन XUV 300 में एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। नेक्सॉन में वेंटिलेटेड सीट मिलती है, जो 300 में नहीं मिलती। नेक्सॉन में 360 डिग्री कैमरा मिलता है, 300 में सिर्फ रियर पार्किंग कैमरा मिलता है। लेकिन नेक्सॉन में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है,
वहीं XUV 300 में डुबल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। नेक्सॉन में रियर एसी वेंट्स, वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरीफायर, कूल्ड ग्लव बॉक्स ऐसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन XUV 300 में ये सारे फीचर नहीं मिलते। लेकिन बात करें इन दोनों में मिलने वाले कॉमन फीचर के बारे में, तो दोनों में स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल, रियर आर्मरेस्ट, क्रूज कंट्रोल, ऑटो ORBM और कनेक्टेड कार जैसे फीचर कॉमन मिल जाते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों की सेफ्टी के बारे में। जैसा आप सबको पता है, नेक्सॉन 5-स्टार रेटेड कार है और XUV 300 भी 5-स्टार रेटेड कार है, तो सेफ्टी तो दोनों में टॉप नॉच मिलने वाली है। लेकिन अगर बात करें सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो दोनों गाड़ियों में 6 एयरबैग, ABS विथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन नेक्सॉन में सिर्फ फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलते हैं, वहीं XUV 300 में चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और अब लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं इन दोनों के कंक्लूजन के बारे में कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। अगर आपको फीचर चाहिए, माइलेज चाहिए, ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए, मॉडर्न इंटीरियर चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, तो डेफिनेटली आप नेक्सॉन फेसलिफ्ट पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इंजन पावर चाहिए, ज़्यादा केबिन स्पेस चाहिए, तब आप XUV 300 पे आ सकते हैं। मेरा जो मानना है कि अगर आप XUV 300 का लेने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ महीने रुक जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द XUV 300 का भी फेसलिफ्ट आने वाला है। और अगर नहीं रुक सकते, तो नेक्सॉन नई आई है, मॉडर्न फीचर है, उस पर शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने XUV 300 और नेक्सॉन फेसलिफ्ट का डिटेल कंपैरिजन किया और आपको बताया कि आपके लिए कौन सी बेटर हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इन दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।